दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आपको मालूम है भविष्य में भारत कैसा होगा? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आपको आज के वीडियो में मालूम चलने वाला है। दोस्तों हम दिन प्रतिदिन भारत को और ज्यादा विकसित करने में लगे हैं। जहां हर इंसान ये सोच रहा है कि आने वाला भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह आने वाले समय में तरक्की हमारा इंतजार कर रही है, ठीक उसी तरह तबाही भी पलके बिछाए हमारी राह तक रही है। अभी देखने वाली बात होगी कि तरक्की जीतेगी या तबाही, लेकिन हाँ होंगी ये दोनों ही चीज, और वो कैसे, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि वीडियो वाकई में आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अगर हम भविष्य में आने वाले सबसे पहले विनाश की बात करें तो वो ये है कि पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह तेजी से बढ़ता इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि ये सभी डीजल और पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल पर ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण का तापमान जबरदस्त गति से बढ़ रहा है, और यही कारण है कि समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है। अब हमारा देश भारत भी समुद्र के किनारे बसा है, जिस वजह से समुद्र के किनारे मौजूद जितने भी शहर हैं, वो आने वाले समय में पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। तबाही सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि आजादी से भी पहले बनने वाले बंदरगाह भी नहीं बचेंगे। अब आपको भले इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन आज भी देश का 50% सामान जहाज के जरिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे में भारत के दुश्मन देश यानी कि चीन और पाकिस्तान भारत के ट्रेड रिलेशन पर भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों अगर हम देश में होने वाली सबसे बड़ी दूसरी समस्या की बात करें तो वो है भुखमरी, क्योंकि हम बड़े शान से अपने देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन आज भी हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों में 94 नंबर पर आते हैं। जी हाँ, हम केवल अब तक 25 देशों को ही पछाड़ पाए हैं, बाकी तो ऐसे बहुत से देश हैं जो इस मामले में हमसे आगे चल रहे हैं, जिससे ये चीज साफ पता चलती है कि हमारे देश में भुखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस तरह से अगर देश विकसित होता है तो माफ कीजिएगा, हमें नहीं लगता कि इस तरह की विकसित होना देश का विकास कहलाएगा। हाँ देश के कुछ चंद लोग और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, वो बात अलग है, क्योंकि ये चीज तो शुरू से चली आ रही है। देश असल मायनों में तब विकसित होगा जब भूख से मरने वाले लोगों को दो रोटी चैन की मिलेगी, तब जाकर देश असल मायनों में विकसित होगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये चीज आने वाले समय में लोगों की चिंता का विषय बनेगी, क्योंकि लोगों की चिंता का विषय तो स्वार्थी होकर अपना फायदा देखना है, ना कि किसी जरूरतमंद की मदद करना। और हमें वाकई में निराशा होती है कि हमारे देश भारत में ऐसा हो रहा है, क्योंकि भारत में तो दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता था, लेकिन लगता है अब लोग इस तरह की सीख को भुलाकर स्वार्थी होते जा रहे हैं, जो आने वाले समय में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा रोड़ा बनेगा। दोस्तों अगर हम हमारे देश में आने वाले तीसरे सबसे बड़े संकट की बात करें तो हमें नहीं लगता कि इसे रोकने का कोई समाधान है। नहीं नहीं, हम भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे, वो तो वाकई में नहीं रुकने वाला। हम तो बात कर रहे हैं हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या और उसके साथ बढ़ती बेरोजगारी की, क्योंकि जनसंख्या हमारे देश में रुकने का नाम नहीं ले रही। भले ही आज के समय में चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन अगर हम हर साल चाइना में जनसंख्या बढ़ने का रेट देखें तो वो हमारे भारत से कम है। इसलिए आने वाले 10-12 सालों में हम चाइना को पछाड़ ही देंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस तरह की चीज किस तरह हमारे देश पर असर करेंगी? क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों की वैल्यू उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। हर चीज में कॉम्पिटिशन होगा, क्योंकि नौकरियां कम होंगी और उसे पाने के लिए लोग ज्यादा होंगे, इसलिए चीजें बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी, और कई सारे लोग डिप्रेशन वगैरह का शिकार होकर आत्महत्या करने लगेंगे, क्योंकि देश की बढ़ती जनसंख्या हमारे देश की सबसे बड़ी परेशानी है। और जिस हिसाब से हमारे देश के लोग इसे नॉर्मल समझ रहे हैं, उसे देखते हुए हमें नहीं लगता कि ये आने वाले समय में रुकने भी वाला है, क्योंकि हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी सरकार भी समझाते समझाते थक चुकी है, लेकिन इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि हर चीज आने वाले समय में भारत का विनाश लेकर आएगी। अब दोस्तों अगर हम भारत में आने वाले समय में होने वाली चौथी सबसे बड़ी परेशानी की बात करें तो वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन, यानी कि भौगोलिक राजनीतिक तनाव। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, सर पर मंडरा रहे पाकिस्तान और चाइना वाले टेंशन की हम बात कर रहे हैं।
जो मिलकर भारत को परेशानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि शांति पसंद देश होने के बावजूद भी चाइना और पाकिस्तान लगातार भारत को परेशान करने के लिए नए नए तरीके निकालते हैं, जिसमें चाइना पाकिस्तान की बहुत ही मदद करता है। और अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि चाइना एक विकसित देश है जो लगातार हथियारों और आर्थिक मदद से पाकिस्तान को बढ़ावा देता है कि पाकिस्तान भारत में युद्ध करे और भारत पाकिस्तान युद्ध में भिड़ा रहे और वो अपने विकास पर ध्यान न दे पाए। ये वाकई में बहुत बड़ी साजिश है जो चाइना और पाकिस्तान लगातार करते आ रहे हैं। अब दोस्तों, अगर हम आने वाले समय में भारत की पांचवी और सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो वो केवल भारत की सबसे बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, जिसका पहला संकेत आपको तेल और डीजल के बढ़ते दाम के रूप में मिल गया होगा। क्योंकि क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है, पिछले कुछ दशक में इतनी तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? अगर नहीं की तो हम आपको बता दें, दुनिया भले ही आपसे ये बात छुपा रही हो, लेकिन ये बात सच है, विश्व में मौजूद ऑयल रिजर्व खत्म होने के कगार पर है। इसलिए हर कोई इलेक्ट्रिक वाहनों और चीजों के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है, क्योंकि ये भले ही आपको बताया ना जाए, लेकिन आने वाले समय में आपके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट गाड़ियां तो रहेंगी, लेकिन उनमें डालने के लिए पेट्रोल नहीं होगा, जो बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि इतनी जल्दी सभी गाड़ियां तो इलेक्ट्रिक होनी जाएंगी, इस काम में काफी समय लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से तेल की खपत हो रही है, इसे खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में बताना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।